Hey guys, welcome back to another new video. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ CMAT Top 40 colleges जो आप CMAT के थ्रू टारगेट कर सकते हो, बट आप CAT से भी और अदर एग्जाम से भी सब कॉलेज में टारगेट कर सकते हो जो मैं बताऊँगा इस लिस्ट में जो आने वाली है. ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर आप लोग देख रहे हो JBIMS मुंबई. ठीक है, तो JBIMS मुंबई आप लोग सभी को सभी लोग जान लो, जनरल और बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. ठीक है, एग्जाम एक्सेप्ट करता है CMAT, CAT और CET. ठीक है, तीन एग्जाम एक्सेप्ट करता है. ठीक है, मैट और एटमा भी इस बार एक्सेप्ट हुआ है जनरल और बजाज में, बट जिसकी सबके परसेंटाइल इसमें 99.99 है, तो आपकी किसी भी एग्जाम में 99.99 है तो आप इसको कॉलेज को टारगेट कर सकते हो. ठीक है, बट आपको कैप राउंड के थ्रू ही इस कॉलेज को मिल पाएगा. ठीक है, क्योंकि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है. ठीक है, जो लोग न्यू बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए इसमें इंटरव्यू नहीं होता है. जब CET के बाद महाराष्ट्र CET एग्जाम होने के बाद जब कैप राउंड स्टार्ट होती है, तो उसमें आप अपने मार्क्स फिल करो जिस एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे हैं. अगर 99.99 है तो आप लोगों को जनरल नॉलेज कंसिडर कर देना. ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है. FMS के बाद इसी का नंबर आता है. ठीक है, IIM FMS के बाद अगर जिसकी 99.99 है तो जनरल नॉलेज टारगेट करना. ठीक है, बहुत बेस्ट कॉलेज है. ठीक है, 3 से 6 लाख एवरेज 27-28 पे बहुत जा रहा है आजकल, तो बहुत ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है इसमें. ठीक है, सेकेंड है सिमसरी मुंबई. एग्जाम एक्सेप्ट करता है CAT, CMAT, CET. ठीक है, CAT, CMAT, CET एक्सेप्ट करता है. कट ऑफ इसकी 99.98 है. फीस है इसकी MMS की, यहाँ तो वो जनरल बजाज और सिमसरी में दोनों में MMS चलता है. 2 लाख इसकी फीस है, 12 से 13 लाख इसकी एवरेज है. ठीक है, तो जो लोग 12-13 लाख की एवरेज पैकेज देख रहे हो, तो वो लोग सिमसरी टारगेट करो. ठीक है, क्योंकि कम फीस है, एवरेज भी बहुत अच्छा है. क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग 10 लाख की कॉलेज है, 12 लाख की कॉलेज है, बट उसकी एवरेज भी कम है, तो उससे बेटर आप सिमसरी टारगेट करो. हाँ, भले परसेंटाइल इसकी बहुत है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से एफर्ट डालो एग्जाम में, तो 99.98 लाओ, सिमसरी लाओ, सिमसरी ले लो. फालतू में इतनी पैसे इन्वेस्ट करो, ROI भी आपका सही नहीं जा रहा है वहाँ पे, तो उससे बेस्ट है आपका सिमसरी कॉलेज है. ठीक है, मैं तो ये बोलूँगा. ठीक है, तो थर्ड नंबर में बात करूँ जिम गोवा, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हो बहुत अच्छा कॉलेज है, ये भी CAT, CMAT ये सब एक्सेप्ट करता है. ठीक है, और ZAT एक्सेप्ट करता है. 95+ परसेंटाइल है इसकी. ठीक है, CAT और ZAT में आई थिंक इसकी 85 के राउंड होगी, 85 के राउंड होती है, 80-85 के राउंड. इसकी PGDM की प्रोग्राम है 11.75, मतलब अराउंड 12 लाख की फीस है, 12 लाख की इसकी एवरेज सही है. ROI यहाँ पे बेस्ट है, यहाँ पे इस कॉलेज को आप लोग टारगेट कर सकते हो. ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करूँ तो मैं KG सोमाया. ठीक है, KG सोमाया बहुत नोन कॉलेज है मुंबई की. देखो, इसकी एक बात है कि इसकी एवरेज स्टूडेंट थोड़ी कम है, बट इसकी टॉप की अगर प्लेसमेंट देखोगे हाइएस्ट तो 30-35 लाख है. अगर आप इफ़ यू विल बी कंसिडर्ड इन टॉप 20% ऑफ दिस टॉप 20% ऑफ दिस क्लास ऑफ दैट क्लास ऑफ KG सोमाया, देन यू विल कंसिडर KG सोमाया, बिकॉज एवरेज प्लेसमेंट इज वेरी लो. एंड इफ यू आर अराउंड टॉप 20 एंड टॉप 10% ऑफ दिस बैच, देन यू विल कंसिडर 30-35 लाख पैकेज, हाइएस्ट पैकेज आई एम सेइंग. ठीक है, तो तभी टारगेट करना KG सोमाया, क्योंकि 95-98% पर आपको CMAT से मिल जाएगी ये. ठीक है, और इसके एवरेज पैकेज और फीस तो देख ही रहे हो, 20 लाख इसकी फीस है और 10-11 की पैकेज है, हमेशा इसके हाईएस्ट में जाना. ठीक है, ग्रेट लेक्स चेन्नई. ठीक है, ये भी चेन्नई का बेस्ट कॉलेज है ग्रेट लेक्स. इसकी दो ब्रांच है, ग्रेट लेक्स चेन्नई और गुड़गांव. गुड़गांव में बताऊंगा अभी. ठीक है, तो एग्जाम एक्सेप्ट करता है CAT, ZAT और CMAT. ठीक है, 92-95-99% रहती है, प्रोफाइल बेस्ड भी रहती है. आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी होगी तो ये कॉलेज में भरो. ठीक है, और फीस की है इसकी MBA, इसका MBA प्रोग्राम होता है, नॉट PGDM, ये लोग अपना MBA के प्रोग्राम में स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और 18.7 लाख की फीस है, मतलब अराउंड 19 लाख की इसकी है फीस है, और 17-18 लाख इसकी एवरेज प्लेसमेंट है, तो इसको भी कर आप लोग कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, 6 नंबर की मैं बात करूँ IIT नागपुर, बहुत बेस्ट कॉलेज है. IIT गाजियाबाद, नागपुर, IIT हैदराबाद, तीन कैंपस IIT की. ठीक है, जिसमें सेकेंड पे IIT नागपुर आता है. नागपुर तीनों एग्जाम एक्सेप्ट करता है, CAT, ZAT और CMAT, बट IIT जो गाजियाबाद है वो ओनली CAT एक्सेप्ट करता है. उसकी कट ऑफ रहती है 90-95% ओनली CAT स्कोर. बट इफ आई टॉक अबाउट IIT नागपुर, IIT हैदराबाद, देन दे विल कंसिडर CMAT स्कोर एज वेल. ठीक है, तो इसकी कट ऑफ रहती है 90-98
2 परसेंटाइल, 12-13 के अराउंड इसकी फीस है, 9-10 लाख एवरेज है। तो IIT का अपना ब्रांड नेम है, तो इसलो इस कॉलेज को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो, आपको ब्रांड नेम मिल जाएगी, यहाँ से ROI भी सही है इसकी, एवरेज प्लेसमेंट भी सही है, तो इस कॉलेज को भी आप लोग टारगेट कर सकते हो। ठीक है, 7 नोट की बात करो तो वेलिंग कर, देखो बॉस इस लिस्ट में बहुत सारे कॉलेज ऊपर नीचे हैं, किसको ये कॉलेज ऊपर रखना हो किसी को, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने ऊपर अपने आप से रैंकिंग कर सकते हो कॉलेज की, बट मैं जिस कॉलेज को देख रहा हूँ उसकी ROI भी देख रहा हूँ, उसकी ब्रांड नेम भी देख रहा हूँ, तो मैं सबको कंसिडर करके मैं इस लिस्ट को बनाया हूँ। आप लोग चाहो तो किस कॉलेज को ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है तो आप लोग उसको रख सकते हो। ठीक है, तो वेलिंकर के 2 प्रोग्राम आती है, ठीक है, एक PGDM होती है और एक MMS होती है। तो PGDM की जो फीस होती है वो है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 14 लाख के अराउंड फीस है वेलिंकर PGDM, जब आपकी CMAT हो, कैट हो, ठीक है, कैट या जो भी है, इसकी फेज वन की इंटरव्यू अभी होने वाली है, ठीक है, 31 आई थिंक इसकी 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फेज वन की इंटरव्यू की। तो आप लोग जो भी GDPI की भरना चाहते हो इस कॉलेज में भर सकते हो, कैट के स्कोर का, अभी कैट का रिजल्ट अभी आया है, ठीक है, तो कैट के बेस पे भर सकते हो। ठीक है, सीमेट भी, सीमेट के टाइम भी फिर से रीओपन हो गया इसकी फेज 3 फेज 4, ठीक है, तो आप लोग अभी मंथ भरो सीमेट से अगर भरना है तो, अब वेट करो। और इसकी MMS की फीस है 5 लाख है और इसकी एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख, दोनों की सेम ही जाती है MMS और, बस MMS और PGDM में ये फर्क होता है कि इसकी MMS की फीस कम होती है, बाकी सारा प्रोग्राम सेम ही होता है। ठीक है, 8 है आपको बीमटेक नोएडा, नोएडा में ये कॉलेज प्लेस्ड है, ठीक है, सीमेट कैट जेड जो भी आपके एग्जाम है, कैट जेड सीमेट एटमा मैट जो भी आपके एग्जाम देते हो ये सब एक्सेप्ट करता है। परसेंटाइल इसकी 93-90 के बीच जाती है, ठीक है, उससे भी नीचे जाती है। ठीक है, फीस PGDM की है इसकी 11 से 13 लाख की फीस है, 8 से 9 लाख इसकी एवरेज, तो आप लोग इस कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, 9 नंबर की मैं बात करूँ, ठीक है, IFMR चेन्नई, इस कॉलेज को भी बहुत लोग जानते हैं, नून कॉलेज है चेन्नई में, 90 परसेंटाइल इसकी कट ऑफ है, सीमेट कैट जेड सारे लेता है ये, 15 लाख के फीस के अराउंड इसकी फीस है, 10 से 11 इसकी पैकेज है, और इससे सीमेट से बहुत लोग इस कॉलेज को टारगेट करते हैं जिनके सीमेट में इसको अच्छी आई है। ठीक है, तो इस कॉलेज की जब भी डेडलाइन आएगी, अभी एक डेडलाइन आई हुई है बट सीमेट के बाद भरना, अभी जो कैट से वो सब भरते हैं, बट कैट में आई थिंक मुझे नहीं लगता है कैट से जिसको ये कॉलेज अभी लोग भरेंगे, सारे लोग जब सीमेट का वेट करते हैं इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए, तो अभी आप लोग वेट करो, जैसा डेडलाइन आएगा सीमेट ये सब रिजल्ट के बाद मैं इस कॉलेज की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 10 नंबर की मैं बात करूँ तो वेलिंगकर बैंगलोर, देखो वेलिंगकर की 2 कैंपस है, आई थिंक 2-3 कैंप, एक नवी मुंबई है, ठीक है, मुंबई का जो है, एक वेलिंगकर बैंगलोर है, ठीक है, तो यहाँ पे वेलिंगकर बैंगलोर सीमेट कैट जेट सारे लेता है, मैट वैट सब लेता है, 80% 75 भी उड़ेगी तब भी आपकी हो जाएगी। फीस PGDM की 11 लाख है, एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख है, ये भी कंसिडर आप लोग कर सकते हो, वी स्कूल का आप लोग का ब्रांड नेम मिलेगा, बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, अगर मैं 11 नंबर बात करूँ NIBM पुणे, इस कॉलेज को भी सभी लोग जानते हैं, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट, जिसका अकाउंट में इंटरेस्ट है फाइनेंस में वो लोग इस कॉलेज को टारगेट करो, बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने खुद देखा है इसको कॉलेज को बाहर से, बहुत अच्छा कॉलेज है, काफ़ी ग्रीनरी है कैंपस यहाँ पे जैसा कि आप लोग फोटो में देख रहे हो, और इसकी बैंकिंग से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, ठीक है, इस कॉलेज का बैंकिंग से, ठीक है, 85% आएगा आपके, 80% आएगा तो भी आप लोग टारगेट कर देना, कैट में इसकी 75 के राउंड है तो आप लोग इसको कॉलेज को 70-75 के राउंड है तो आप लोग कैट से भी NIBM पुणे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, 11 से 12 लाख इसकी एवरेज है, बेस्ट कॉलेज है, ROI भी आपकी पूरी इसमें निकल जाएगी, ठीक है, कट ऑफ भी सही है। ठीक है, 12 लाख, सॉरी 12 नंबर पे NIA पुणे, NIA पुणे पुणे के बारे में लोग उतने बात करते नहीं है, इसको लिस्ट में काफ़ी बिलो करते हैं, बट मैं इसको 12 नंबर पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये भी बैंकिंग से इंश्योरेंस से रिलेटेड की ये कॉलेज है, ठीक है, जिसकी 75-80% आएल सी मैट में, कैट में 70-75 पे भी आपकी है परसेंटाइल, तो आप लोग कैट जेड में तो आप लोग उसको टारगेट करो। ठीक है, NIA पुणे बहुत अच्छा कॉलेज है, जिसको फाइनेंस नहीं सब में बैंकिंग इंश्योरेंस में जाना है, बहुत बेस्ट कॉलेज, क्यों आप लोग जाओ ही कि बहुत इन्वेस्ट करो, ठीक है, आप दूसरे कॉलेज के फाइनेंस में जाओ जबकि आपको बैंकिंग ऑपरेशन ही करनी है। ठीक है, तो आप लोग उस कॉलेज को टारगेट करो, 9.43 लाख इसकी फीस है और 12-13 लाख से इसकी एवरेज प्लेसमेंट है, बेस्ट आर ओआई इस कॉलेज को, तो इस कॉलेज को टारगेट करो, ना कि जो बहुत महंगे 20-20 लाख के कॉलेज है जैसे कि सेम बॉयसेस के, वो सबको टारगेट ना करके NIA पुणे करो, इसको फाइनेंस में ही करनी है, बैंकिंग इंश्योरेंस में ही जानी है, तो ठीक है, तो इसलिए मैं इस कॉलेज को ऊपर रखा हूँ। ठीक है,
थर्टी नंबर की मैं बात करूँ तो आईएमटी हैदराबाद, जैसे मैं आईएमटी नागपुर नागपुर की मैंने बताया हूँ, आईएमटी हैदराबाद भी सेम है, कैसी मैट कैट ठीक है लेता है, और आई थिंक मैट मैट नहीं लेता है शायद, सी मैट कैट और जैट लेता है, 80% डाइल है ठीक है, 14.50 इसकी लैक फीस है, एवरेज प्लेसमेंट इसी कम है ठीक है, बट ठीक है ठीक ठाक कॉलेज है ये ठीक है, रख सकते हो अपने लिस्ट में। एनएल डालमिया मुंबई, ये भी ठीक कॉलेज है, सी मैट कैट सारे एग्जाम लेता है ये, 80% डाइल इसकी, बस मैं लिखा हुआ बट इससे बहुत बेलो भी जाती है इसकी ठीक है परसेंट डाइल, और पी जी डी एम की इसकी फीस है 13.2 लाख, एवरेज फीस 9 से 10 लाख है ठीक है, तो उस कॉलेज को भी आप लोग टारगेट कर सकते हो ठीक है। 15 नंबर की बात करूँ तो पुम्बा पुणे ठीक है, ये कॉलेज ही बहुत अच्छा है, मैं इस लिस्ट में रखा हूँ। देखो बहुत लोग बोलेंगे पुम्बा क्यों रखा है, बट पुम्बा एक अपना ही ब्रांड नेम है पुणे में ठीक है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी नोन कॉलेज है ठीक है, क्योंकि सी ई टी के बाद लोग जमना लाल बजाज, जमना लाल सिमसरी, वेलिंकर, पुम्बा रखते हैं 4th नंबर पर हमेशा, तो पुम्बा जो सी मेट से भी लोग जाते हैं कैप राउंड में, तो पुम्बा मैंने इसलिए रखा है ताकि जो भी लोग कैप राउंड में जाए तो पुम्बा को भी रखें। 97 to 98% आपकी है सी मेट या सी ई टी या फिर कैट में, तो आप लोग पुम्बा टारगेट करो ठीक है, कैट से तो ज़्यादा लोग टारगेट नहीं करते, सी मेट और सी ई टी से ही करते हैं, 2 लाख इसकी फीस है, 6 से 7 लाख इसकी एवरेज है, सही कॉलेज है एम सॉरी हाँ ये एम बी ए प्रोवाइड करते हैं नॉट एम एस ठीक है। 60 नंबर की आई टी है मुंबई, देखो ये सब की 80% आयल है, ये लोग 40% एल पे भी ले लेते हैं, इन लोगों को सिर्फ स्कोर चाहिए आपकी, परसेंट एल नॉट मैटर इन दिस टाइप ऑफ कॉलेज ठीक है। आई टी एम की मैं बहुत लोगों का डिस्कशन मैं देख रहा था, आई टी एम लू की ना, तो मैं आई टी में बना लूँ ठीक है, ये सारे एग्जाम कैट जैट सी मैट मैट एटमा जो भी एग्जाम है सारे लेते हैं, 10 से 11 लाख इसकी फीस है, 8 से 9 इसकी एवरेज है, सही है, इसे कम भी हो सकती है एवरेज, बट ठीक ठाक कॉलेज है, कंसिडर कर सकते हो ठीक है। 17 नंबर की बात करूँ ग्रेट लेक्स गुरुगांव, ये अच्छा कॉलेज है, इसको टारगेट करो ठीक है, 80% आइल है ठीक है, 80, 79, 80 है, तो 17-16 लाख इसकी फीस है और 15-16 लाख इसकी एवरेज है, तो ये बेस्ट कॉलेज है ग्रेट लेक्स चेन्नई, सॉरी ग्रेट लेक्स चेन्नई और ग्रेट लेक्स गुड़गांव, इस कॉलेज को टारगेट करो, ब्रांड नेम भी आपको मिलेगी, आरओआई भी मिलेगी, तो ये दोनों में बेस्ट है ग्रेट लेक्स ठीक है, तो आई टी एम ये सब के इंस्टीट्यूट भरने से अच्छा ग्रेट लेक्स भरो, ये बहुत अच्छा कॉलेज है ठीक है, सही है आरओआई ये सब भी ठीक है। 18 नंबर की बात करो एस आई एस मुंबई ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है मुंबई, बहुत नोन है ठीक है, लोग सी ई टी के थ्रू भी इस कॉलेज को लेते हैं, कैट सी मेट और सी ई टी एक्सेप्ट करता है ये ठीक है, इसमें दो क्या इसकी दो होती है आप प्रोग्राम पी जी डी एम और एम एम एस होती है, एम एम एस की इसकी 5 लाख इसकी फीस है और पी जी डी एम की इसकी फीस है 9 लाख ठीक है, एम एम एस से आपको 98-99% आई पे ये मिलती है ठीक है, 98.something% आई लाइफ की एस आई एस मिल जाएगी, 80% आई है इसकी कट ऑफ और 9 लाख इसकी फीस है और एवरेज प्लेसमेंट 8 से 9 लाख, बेस्ट कॉलेज ऐसा ही है ठीक है, इसका आज से इसका एवरेज पैकेज 8 से 9 ही जा रहा है, मुझे इतना पता है 8 से 9 जा रहा है, बेस्ट कॉलेज है। चेतना मुंबई भी टारगेट करो कर सकते हो ठीक है, ये सब भी कॉलेज इसका पी जी डी एम ये सब प्रोग्राम में तो आप लोग कैट मैट एटमा से भी हो जाएगा ऐसा ही ऐसे सब में, पी जी डी एम में अभी भी हो जाएगा इसका अभी, और मैट वैट दे रहे हो तो ठीक है, कैट ऐसे भी चेतना भी कर सकते हो, पी जी डी एम की 9 लाख फीस है और 6 से 7 लाख इसकी एवरेज, 80% इसकी पी जी डी एम के प्रोग्राम है, बट एम एस के 5 लाख फीस है और आई थिंक वही 6-7 दोनों की एवरेज प्लेस सही जाती है ठीक है, सेम ही जाती है, कैट सी मैट और सी ई डी लेते हैं दोनों का, बट सी ई डी और सी मैट से आप लोग टारगेट कर सकते हो ठीक है, बट एम एम एस भी इसका टारगेट कर सकते हो ठीक है। तो 20 नंबर की बात करो तो एक्स आई एस एस रांची, कैट मैट एटमा जैट जो भी आपके एग्ज़ाम दिए हो ये टारगेट कर सकते हो, सारे एग्ज़ाम एक्सेप्ट करता है, परसेंटाइल नॉट मैटर इन दिस टाइप ऑफ कॉलेज, मैं इस तरह बस लिख दिया हूँ ठीक है, बट इसकी फीस है पी जी डी एम 8 से 9 लाख और 7 से 8 इसकी एवरेज है, सही कॉलेज है ठीक है, इसको भी टारगेट कर सकते हो ठीक है। हाँ 21 नंबर पे आई बी एस हैदराबाद ठीक है, ये कॉलेज मैं रख दिया हूँ बट मैं नहीं रखने वाला था, बट सही कॉलेज है, इसकी फीस बहुत है 16 लाख इसकी फीस है और एवरेज इसकी कम है, इसलिए मैं आई बी एस को नहीं रख रहा था क्योंकि आई बी एस की, बट इसकी आई बी एस के ब्रांड नेम है बहुत, 80% कट ऑफ नहीं है वैसे इसकी, बहुत कमी जाती है 40% किसी भी एग्जाम में रहेगी, बस इंटरव्यू दो जी डी पी दो एग्जाम आपके हो जाएगा, अगर आप लोग चाहते हो आई बी एस की मैं सारे कैंपस में वीडियो बनाऊँ ठीक है, क्योंकि मुझे आई बी एस के बारे में पता है सारे कैंपस के बारे में
ठीक है, और मुझे कैसे पता है कि इसकी GD पर इंटरव्यू के बारे में मुझे पता है, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग IBS का एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा IBS, जो लोग IBS पर कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। और सही कॉलेज है, टिक टाक ले सकते हो आप लोग। तो और भी लिस्ट है हमारे इस लिस्ट में, जैसे कि जैक्सन बैंगलोर है, इसका IFIM पहले बैंगलोर था, ये 82-85% है, ये सब नाम का है, ठीक है, मैं जितने में लगा रहा हूँ ये सब नाम का है, आपकी कम 40-40% भी होगी सारे में हो जाएगा, आपका जितने लिस्ट है सब में सारे में हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और इसकी फीस है 14 से 15 लाख, और इसकी एवरेज है 6-7 पे जाती है, ठीक है, IBS मुंबई की भी होती है, 6-7 पे जाती है, 9.9009 इसकी लाख फीस है, ठीक है। और UBS मुंबई भी है, सेम ही है, 9 लाख इसकी फीस है, सबकी एवरेज 6-7 है। ISBR बैंगलोर है, 7% मैटर नहीं करी है, यहाँ पे 9 लाख फीस की फीस है। MAT IAS मुंबई 10 लाख इसकी फीस है, ठीक है, सबकी एवरेज सेम जा रही है, 7 से 8, 6 से 7। वॉक्सिन हो गया, UPS देहरादून हो गया, सबके परसेंटाइल कोई मैटर नहीं करेगी, यहाँ पे 15 लाख फीस की फीस है। इस दोनों को कंसिडर, बहुत फीस इसकी बहुत है, बहुत लास्ट में कंसिडर करना, क्योंकि आप जब ऑप्शन नहीं बचेगी तो इस दोनों कॉलेज को बचे, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है, 15 लाख इसकी फीस, इसका एवरेज सब नहीं है। स्माइल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये सबकी फीस बहुत है, 15.26-7-8 इसकी एवरेज है। बालाजी पुणे है, इसका बालाजी पुणे का BEI या MM टारगेट करना कर सकते हो, तो इसकी कोई ऐसा है नहीं, कोई परसेंटाइल नॉट मैटर, 10 से इसके 11 बालाजी की फीस बहुत बढ़ गई है, ठीक है। इसका 4 कैंपस आता है, और ISBNM में, ठीक है, 75 से 80 जो भी परसेंटाइल कुछ नहीं है सब में, नॉट मैटर। साइज की 12 लाख फीस है, 7-8 एवरेज है। IBS पूरे सेम है, IBS मुंबई की तरफ, ठीक है, 9.09 लाख फीस की फीस है, और सेम ही है, 7 से 8 इसकी एवरेज। पैक XIS रांची मैं पहले कंसिडर कर दिया हूँ, ठीक है, काट दो। और XIM बैंगलोर, ठीक है, तो ये दोनों कॉलेज भी, ये सब भी कॉलेज स्टार्ट कर सकते हो अगर आपकी इतनी बजट है तो, बट मैं नहीं बोलूँगा इतने भी नीचे जाओ कॉलेज को, हमेशा टॉप पे अप्लाई करो कॉलेज, क्योंकि ये सारे की फीस बहुत रहती है और एवरेज प्लेसमेंट भी बहुत कम रहती है। तो ऐसा टारगेट करो कॉलेज की जिसकी फीस कम है और ROI भी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट बेटर है, ठीक है। तो यही था आज का कॉलेज का लिस्ट, और नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूँ तो ये हमारा कोर्स चल रहा है, ठीक है, ACMA 2023, और CMA 2023 GK एंटरप्रेन्योरशिप, और ये पूरा फुल कोर्स है, ठीक है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इस ये पूरा फुल कोर्स है, इसमें आपको सारी मटेरियल्स और लाइव, इसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की आपको 100+ MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और GK की करंट अफेयर स्टैटिक मिलेगी, CMAT के क्वांट कंप्लीट मटेरियल्स मिलेगी, CMAT रीजनिंग ऑल टॉपिक्स में सारे कवर होंगे, और जो भी आपको यहाँ पे गाइडेंस चाहिए हो चाहिए होगी GD पे, ये सब की सारी की सब प्रिपरेशन होगी। मैं इसके प्राइस बहुत कम रखा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लोग, क्योंकि बहुत लोग एफोर्ड नहीं करते हैं फीस, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में, ये मेरा फर्स्ट कोर्स है CMAT पे, तो इसलिए मैं कम रखा हूँ स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है, बहुत कम है, ताकि सब लोग एफोर्ड करो, तब तो सब लोग ज्वाइन हो, क्लासेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल करो या व्हाट्सएप कर लो, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। एवरी संडे हम लोग डाउट सेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, और कॉलेज गाइडेंस यहाँ फुल मिलेगा आपको, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड कोर्स है, जिसका एक सेपरेट बैच है, जो GK और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे ही सिर्फ फोकस होता है, यहाँ पे रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर मिलेगी आपको, यहाँ पे डाउट क्लासेस जो रहेगी, क्लास नोट्स एंड असाइनमेंट मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगी, ठीक है, सैटरडे एंड संडे क्यूज होगी, अपडेटेड करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक GK होगी, बैच साइज सिर्फ 30 की रहेगी, क्योंकि बहुत कम मैं रखा हूँ, ठीक है। और डेमो सेशन अगर आप लोग चाहते हो, ठीक है, डेमो सेशन तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल जिस पे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो ये था आज का टॉप 40 कॉलेज, जो आप CMAT के थ्रू, CET जो मैट एटमा जो भी एग्जाम दे रहे हो, बट ये पर्टिकुलर CMAT के वीडियो था, ठीक है। तो जो भी लोग CMAT दे रहे हो, ऑल द बेस्ट, और जो भी मैं नोटिफिकेशन आएगी CMAT के ऊपर तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, चैनल पे बने रहना, ठीक है। और CMAT पे मैं जो अभी जो मैं ले रहा हूँ सेशन, मैं ले रहा हूँ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे, उसको कंटिन्यू रखना अभी,
मैं कंटिन्यू रखूंगा उस पर, अभी सीरीज आएंगी और सब क्वेश्चंस के रिलेटेड आएंगी और कुछ टॉपिक पे भी आएंगी, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे एक सेशन उसमें बाकी है और भी बहुत सेशन आएगी, ठीक है, तो चैनल पे बने रहना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।